आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। मोहन ठाकुर पर लगभग 2 दर्जन सुपर केस है, जमानत मिला है और वो आए हैं तो पुलिस के काफी इन पर नजर है। बिहार, जी हाँ, यह बिहार है। बिहार में कभी बाहुबलियों और अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन पिछले कई सालों से नीतीश बाबू के शासन आते ही बाहुबलियों और अपराधियों का लगभग खात्मा सा हो गया। आपको बता दें कि यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार के एक आतंक के पर्याय माने जाने वाले एक ऐसे आरोपी अपराधी जिन पर 30 से अधिक मामले दर्ज हैं, वे स्वयं कह रहे हैं कि उन पर 30 लगभग मामले दर्ज हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। अभी तक कुल कितने मामले आपको? न्यायालय में हमारा 25 मामला चल रहा है, सब पर हम बेल पर बाहर हैं। न्यायालय हमको बेल दिया है, न्यायालय पर हमको भरोसा भी है। झारखंड में कितने मामले? 3-4 मामला झारखंड में भी है। जी हाँ, बड़े ही गर्व के साथ ये बता रहे हैं कि 25-30 मामले इन पर दर्ज हैं और इनको न्यायालय पर भरोसा है। जनाब, 30 मामले दर्ज हैं, 30 साल जेल में रहे, जमानत मिली, तो जश्न क्यों नहीं मनाया जाए? खूब जश्न मनाइए, मनाना भी चाहिए। न्यायालय से जो आपको जमानत मिल गई है, लेकिन जश्न के बीच यह क्या? आपने तो सोशल डिस्टेंस को ही बेमानी कर दी। यही नहीं, लोगों के चेहरे से मास्क ही नदारद कर दिए और डीजे पे तो साहब ने खूब डांस करवा दी। देखिए कि कैसे लोग सोशल डिस्टेंस को बेमानी करते हुए बिना मास्क के लगभग 20 किलोमीटर सोनापुर गांव में, कटिहार के सोनापुर गांव में लगभग 20 किलोमीटर तक यह जश्न की हुजूम देखी गई। आगे आगे ट्रैक्टर और पीछे पीछे जश्न का माहौल, जो कि उसमें मिली जुली प्रशासन से मिल जुल के हम पर जो मामला दर्ज कर रहा है कि ये कर रहा है डकैती चोरी, और कोई कहीं पर भी कोई मेरा एगेंस्ट पार्टी भी पकड़ाता है उसमें मोहन ठाकुर का नाम घिस देता है कि मोहन ठाकुर किया है, मोहन ठाकुर का पार्टी है। बता दें कि श्री ठाकुर पर लगभग 25 से 30 मामले दर्ज हैं और यही नहीं, आतंक के पर्याय माने गए हैं, लेकिन खुद को वे आरोपी मान रहे हैं। उनका कहना कहीं कुछ भी होता है जनाब का नाम डाल दिया जाता है। अब जनाब, ये कैसे हम समझे या समझाएं अपने दर्शकों को कि आपका नाम बेवजह अगर डाला जा रहा है तो आखिर क्यों? 25-30 मामलों में आप खुद बता रहे हैं कि आपका नाम डाल दिया गया और आप कई सालों तक जेल में बंद थे, आखिरकार जमानत मिली है। आपके पार्टी और आपके गिरोह के लोग ये कहते हुए जश्न मना रहे हैं कि आप यानी मुखिया जी बाहर आ गए। जी हाँ, सरगना हमारे बाहर आ गए, जश्न तो मनेगा, डीजे तो बजेगा, कानून को धत्ता बताते हुए मास्क भी नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस भी बेमानी हो जाएगी और 20 किलोमीटर तक लोग डीजे पर नाचेंगे और बताएंगे कि अब साहब आ गए हैं बाहर। जी हाँ, और तो और पुलिस के SDPO साहब क्या कुछ कह रहे हैं इसे भी देखिए। मोहन ठाकुर एक छात्र अपराधी कर्मी है और मोहन आदि का पूर्व से ही वहाँ गैंगवार चल रहा है और इसी क्रम में जस्ट उस दिन पूर्व विक्रम यादव की हत्या हुई थी, जिसमें उनके जो भाई के संजय ठाकुर, उनके पिता प्लस और उन्हीं के गैंग के लोग नामजद थे, जिसमें उनके पिता सुदामा ठाकुर को हम लोग गिरफ्तार कर भी गए हैं और संजय ठाकुर अभी भी वंचित और लोग वंचित। मोहन ठाकुर पर लगभग 2 दर्जन सुपर केस है, कटिहार जिला प्लस साहेबगंज का भी काफ़ी है, तो वह अपना जमानत पर वह काल राहत में उनको जमानत मिला है
और वह आए हैं तो पुलिस के काफी उन पर नजर है। साहब ने कह दिया कि उन पर नजर है, अब नजर कैसी। 20 किलोमीटर तक जश्न का माहौल बनाया गया, डीजे बजाए गए, खुशियां मनाई गई, सोशल डिस्टेंस को भी बेमानी हो गई, चेहरे से मास्क नदारद हो गया। आखिर साहब भी करे तो क्या। अब साहब ने तो कह दिया कि उन पर नजर रखी जाएगी, उनके आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, लेकिन अगर चुपके चुपके उन्होंने जश्न मना लिया तो अब साहब भी करे तो करे क्या, क्योंकि लोग कुख्यात रहे हैं और अभी भी वो अपना काम से बाहर नहीं आएंगे। इसलिए पुलिस पर सेवापुर पुलिस को मेरे द्वारा कल हम गए भी थे और उनको स्पष्ट रूप से दिया गया है जो उस तरह की कोई गैंगवार नहीं हो, और यदि उन पर हमेशा नज़र हम लोग रखेंगे और इस तरह की पुनः यदि कोई कार्रवाई करी उनके द्वारा की जाएगी तो फिर जो कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। बता दें कि कटिहार के सोनापुर में 30 मामले 30 साल जेल में और जमानत के बाद खूब जश्न मनी है, मनाई गई है। कुख्यात का यह जश्न आखिर क्यों। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें, और हाँ पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।